सिंगरौली में मढ़ौली गांव के विस्थापितों ने मुआवजे और रोजगार की मांग को लेकर हड़ताल शुरू कर दी है। विस्थापितों ने ओबी कंपनी एवं एनसीएल का कार्य पूरी तरह से बंद कर दिया है। विस्थापितों ने एनसीएल जयंत खदान का कार्य पूरी तरह से बंद कर दिया है। विधायक राम लल्लू वैस ने विस्थापितों से इस बंद का समर्थन किया है। स्थानीय विस्थापित रोजगार व पुनर्वास नीतियों को लेकर नाराज हैं। इस दौरान पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी पूरे बल के साथ खदान क्षेत्र में मौजूद रहे। इस मुद्दे पर सिंगरौली विधायक रामलल्लू वैस ने बताया कि एनसीएल द्वारा मनमानी तरीके से मुआवजा वितरण का कार्य किया जा रहा है, जिस कारण लोगों में आक्रोश है। उन्होंने बताया कि यह हड़ताल अनिश्चितकालीन चलती रहेगी, वहीं आने वाले समय में कोल डिस्पैच भी रोका जाएगा। एनसीएल प्रशासन को पत्र लिखा गया था, यह विसंगति पूर्ण भूअर्जन का काम चल रहा है। नियम कानून कायदे के आधार पर जो भी बना 2017 में आपने नोटिस जारी किया, इसके बाद जिला प्रशासन के आवेदन करके 2020 में सर्वे कराए। सर्वे में किन परिस्थितियों में आपने इतना नोटिस आज दे रहे हैं कि कोई समझ में ही नहीं आ रहा है कि कैसे उसका मुआवजा किस रूप में बनाया गया। जिनका पहले मान ले उदाहरण के लिए कि वो 19 लाख बना भी दिखा रहे थे नोटिस, और आज उनका 16 लाख हो गया। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।